डॉक्टरों ने बोला कि प्लाज्मा थेरेपी की शायद ज़रूरत हो एंड डोनर खोजा जाए। बस उसी दिन फिर मारामारी लग गई डोनर खोजने के लिए। डोनर को खोजने के लिए हमें 4 दिन लग गए। बीच में डोनर मिला तो फिर पता चला कि वो एलिजिबल नहीं है, 2 दिन उसमें ज़ाया हो गए। सबसे ज़रूरी होता है उनका ब्लड ग्रुप और लोकेशन। सिमिलरली डोनर्स भी अपनी डिटेल्स रजिस्टर करते हैं। सो सिंस वी आर इनटू ब्लड डोनेशन, वी वर गेटिंग रेगुलर रिक्वेस्ट फॉर प्लाज्मा डोनेशन फॉर कोविड प्लाज्मा थेरेपी। वी go as per government guidelines that we must have a prescription from the hospital, and from there we make a case study of each and every patient and send it to the government, and from there the donors are directly attached to the needy families for plasma donation. मेरे अपने फादर इन लॉ कुछ हफ्ते पहले कोविड से रिकवर कर रहे थे। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, फिर हॉस्पिटल में आईसीयू की ज़रूरत पड़ी और उसके ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद डॉक्टरों ने बोला कि प्लाज्मा थेरेपी की शायद ज़रूरत हो एंड डोनर खोजा जाए। बस उसी दिन फिर मारामारी लग गई डोनर खोजने के लिए। सारे बच्चे, घर वाले, हर तरफ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस, हर माध्यम से डोनर खोजने लगे। और डोनर को खोजने के लिए हमें 4 दिन लग गए। बीच में डोनर मिला तो फिर पता चला कि वो एलिजिबल नहीं है, 2 दिन उसमें ज़ाया हो गए। तो फॉर्चुनेटली टचवुड सब सही हो गया, डोनर मिल गया, फादर इन लॉ रिकवर कर गए, घर पे हैं, ही इज़ फाइन। लेकिन ये सब होने के बाद ये एहसास हुआ कि जो पैनिक हम सब फेस कर रहे थे, आई एम श्योर कि जो बाकी फैमिलीज हैं जो इस सिचुएशन में हैं वो भी ये फेस कर रही होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत डोनर ढूंढने में, हालांकि आप अगर आंकड़े देखें जिन लोगों को प्लाज्मा की आज ज़रूरत है वो नंबर कहीं कहीं कम है उस नंबर से जितने लोग ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। तो डोनर्स लेकिन आज की तारीख में शायद आगे इतने नहीं आ रहे, और मैं उनको भी दोष नहीं ठहराता क्योंकि कोविड एक काफ़ी डरावनी बीमारी है, और अगर कोई उससे गुज़र चुका है तो वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद 10 बार सोचेगा हॉस्पिटल वापस जाने की। वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट गाइडलाइंस वेयर बाय कोविड पॉजिटिव पेशेंट हु इज होम क्वारंटाइन इज नॉट अलाउड टू गेट हिज कोविड टेस्ट डन बिकॉज दे से दैट यू हैव रिकवर्ड, सो देर इज़ नो नीड फॉर अ कोविड नेगेटिव टेस्ट। Whereas hospital demand one COVID test, one COVID positive test report and 2 COVID negative test report, and that the donor should have completed 28 days periods of recovery. So because of this we are facing acute shortage of plasma, and the patients are finding it very difficult, their families are finding it very difficult to get plasma for their loved ones. Thank you.
केवल एक रिकवर्ड कोविड पेशेंट हो सकता है। उसकी रिकवरी को कम से कम 14 दिन, आजकल तो हॉस्पिटल्स 30 दिन भी बोल रहे हैं, हो चुके होने चाहिए। इट शुड नॉट बी अ लेडी जो कंसीव कर चुकी हो, कोई हार्ट लिवर लंग प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ ना हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, ऐसी काफ़ी क्राइटेरिया हैं। अल्टीमेटली ये कॉल एक डॉक्टर का ही है, जो पेशेंट के डॉक्टर रहते हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये डोनर सही है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ढूंढ का काम केवल और केवल ये सर्च को इनेबल करना है, ताकि जल्द से जल्द कोई पोटेंशियल डोनर खोज सके एक रेसिपिएंट।